हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्ल्ड ऑफ फैशंस। एंड आज मैं आपको जूड़ा एक्सेसरीज बनाना सिखाऊंगी। और इसके लिए हमें सारा मटेरियल चाहिए होगा। यहाँ पर मैंने सबसे पहले लिए है यहाँ पर आई पिन, यहाँ पर मैंने लिए है 12। और ये मैंने लिया है बैक्रम शीट, और जिस पर मैंने येलो पेंट करके रखा है। और ये पर्ल लिया है मैंने वाइट कलर का, और ये लॉरिस ली है, इयर रिंग हुक लिया है, और पर्ल कनेक्टिंग चेन ली है मैंने, और ये पर्ल चेन ली है मैंने यहाँ पर, और ये जो है स्टोन चेन एंड पर्ल चेन ली है छोटे मोती वाली, और ली है मैंने स्टोन चेन, डायमंड चेन, और यहाँ पर यू पिन ली है मैंने जूड़ा पिन। और यहाँ पर मैंने फैब्रिक ग्लू लिया है, और हाफ़ पर्ल भी लिया है। सबसे पहले हम बैकग्राउंड शीट के ऊपर जो हाफ़ पर्ल है इसको हम चिपका देंगे। हम यहाँ पर हाफ़ पर्ल को उस पर चिपका देंगे, और इसके आसपास हम चेन को लगा देंगे। सबसे पहले हम इसमें पर्ल चेन को लगाएंगे। यहाँ पर मैंने ली है पर्ल चेन छोटे मोती वाली, हम इसको इसके आसपास लगा देंगे। देखिए इस तरह से, और इसके बाद मैं वापस इसमें पर्ल चेन को लगा दूंगी। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को फॉर माय न्यू वीडियोस। और यहाँ पर वापस मैं पर्ल चेन को लगा दूंगी। आप चाहें तो इसमें दूसरी चेन का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे जो बॉल चेन आती है कलरफुल, आप इसमें गोल्डन कलर की बॉल चेन या फिर दूसरे कलर की बॉल चेन का भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। एंड देखिए यहाँ पर दो बार मैंने पर्ल चेन को लगा दिया है। इसके बाद मैं यहाँ पर स्टोन चेन को लगाऊंगी 3 बार। यहाँ पर 3 बार मैं स्टोन चेन को लगा दूंगी। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को फॉर माय न्यू वीडियोस। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैंने अपने लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दी है, तो आप उसे उस पर क्लिक कर मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी तरह से मैं 3 बार इसमें स्टोन चेन को लगा दूँगी। देखिए यहाँ पर मैंने 3 बार स्टोन चेन को लगा दिया है। अब यहाँ पर मैं जो पर्ल चेन है इसमें थोड़े बड़े बड़े मोती हैं, मतलब बड़े मोती वाली जो पर्ल चेन है उसको हम लगा देंगे इसमें 2 बार। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को फॉर माई न्यू वीडियोज़। एंड सब्सक्राइब करने के लिए आपको ये जो सब्सक्राइब का बटन है उसे क्लिक करना होगा एंड प्रेस करना होगा बेल आइकन को, ताकि मैं अपनी वीडियो जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आए। एंड यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैं पर्ल चेन को लगा दूंगी इसके आसपास, और यहाँ पर हम 2 बार पर्ल चेन को लगा देंगे। देखिए यहाँ पर लगा दिया है मैंने 2 बार, और इसको हम थोड़ी देर सूखने के लिए रख देंगे। तब तक ये जो आई पिन है हमारी, आई पिन को मैं कट कर दूंगी।
यहाँ पर आई पिंस को हम कट कर देंगे। यहाँ पर तकरीबन मैंने 12 आई पिन का यूज़ किया है। एंड देखिए सारी आई पिंस को मैंने कट कर दिया है। अब यहाँ पर मैं पर्ल चेन लूँगी एंड पर्ल चेन में हम इस चेन को कट कर देंगे। हम इस चेन में 8-8 मोती को गिन कर चेन को कट कर लेंगे। मतलब हम इसमें कम से कम 10 लेयर को कट करेंगे इसमें 8-8 मोती वाली। इसी तरह से यहाँ पर मैंने 10 लेयर को कट कर लिया है। इन सब में 8-8 मोती हैं, मतलब बराबर की है सारी चेन। और इसके 5-5 क्या पूरा पेयर है। एंड इसके बाद हम वापस पर्ल चेन को कट करेंगे। यहाँ पर हम लेंगे 7 मोती, यहाँ पर हम 7 मोती को कट करेंगे एंड दो चेन वापस कट करेंगे 6-6 मोती की, जो हम जो हमारी जूड़ा एक्सेसरीज है उसके नीचे हम जो लटकन लगाएंगे उसके लिए। मतलब एक बड़ी रहेगी और दो छोटी छोटी रहेगी। मतलब एक में हमने 7 मोती लिए हैं और दो में लेंगे हम 6-6 मोती। इसके लिए यहाँ पर मैंने 6-6 मोती की कट कर ली है और 7 मोती की कट कर ली है और 8-8 मोती की कट कर ली है 10 लेयर। और जो लटकन है लूँ, यहाँ पर मैंने आई पिन ली है और आई पिन के अंदर पर्ल को डाल दिया है और आई पिन को कट कर दिया है। अब मैं इसका जो मुँह है थोड़ा घुमा दूँगी और जो आई पिन का मुँह है इसको थोड़ा सा ओपन कर कर इसके अंदर जो लॉरेल्स है लॉरेल्स को मैं इसमें डाल दूँगी। देखिए लॉरेल्स को मैंने इसमें डाल दिया है एंड इसका मुँह पैक कर दिया है। इसी तरह से तीनों दोनों को मैंने रेडी किया था लूम को। और जो हमारी चेन है पार्लर चेन जो हमारे 6-6 मोती वाली है इसके अंदर मैं इनको डाल दूँगी। इसी तरह से इन दोनों को भी मैं रेडी कर दूँगी। एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। एंड देखिए यहाँ पर भी मैंने इस लूम को लटका दिया है। इसी तरह से इन तीनों लटकन को हमने रेडी कर दिया है। यहाँ पर मैंने जंप रिंग ली है और जंप रिंग के अंदर मैं इन तीनों लेयर को इसमें डाल दूंगी। एंड तो इसका जो मुंह है मैं प्लार की मदद से बंद कर दूंगी। एंड देखिए हमारा जो मॉडल है पूरा रेडी हो गया है तो हम इसको कट कर देंगे। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को फॉर माय न्यू वीडियोस। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैंने अपनी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है तो आप उसे क्लिक कर मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। एंड देखिए इस मॉडल को मैंने पूरा अच्छे से कट कर दिया है। और यहाँ पर इसी साइज़ का मैंने बैकग्राम शीट का टुकड़ा कट कर दिया है। और यहाँ पर सबसे पहले हम इसमें आई पिंस को लगाएंगे जो हमने आई पिंस कट की है। यानी सारे आई पिंस को हम इसमें लगा देंगे आसपास 5-5 कर और एक बीच में भी लगाएंगे जिसमें हमने जो रेडी किया था लूम हम इसको इसमें लगाएंगे। पहले हम आसपास 5-5 आई पिंस को लगा देंगे। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो उसमें 5-5 आई पिंस भी लगा सकते हैं। इसलिए मैं आपको दो तरह के यहाँ पर जूड़ा पिन
जूड़ा एक्सेसरीज बनाना सिखाऊंगी। सबसे पहले यहाँ पर मैं पांच पांच आई पिंस को लगाऊंगी। देखिए यहाँ पर मैंने बीच में एक लगा दिया है, इसको तो लगाना ही है। और इसके यहाँ पर मैं पांच पांच आई पिंस को लगाऊंगी सबसे पहले। इसके बाद मैं आपको एक आई आई पिन वाला भी जूड़ा एक्सेसरीज बनाना सिखाऊंगी। पहले तो हम पांच पांच आई पिंस को इसमें लगा देंगे। एंड देखिए यहाँ पर मैंने सारे आई पिन को लगा दिया है। इसके बाद जो यू पिन है हमारा, यू पिन को हम इसमें लगा देंगे। एंड यू पिन को आप दो तरह से लगा सकते हैं। ये है पहला तरीका, जैसे मैं आपको इसमें बता रही हूँ कि हम बैकरम शेड के अंदर ही इसको चिपका कर इसमें जोड़ सकते हैं। और एक और तरीका है इसको लगाने का, जो मैं आपको इसके आगे बताऊँगी इसी वीडियो में। देखिए इस तरह से मैंने बैकरम शेड के उसके ऊपर लगा दिया है। एंड इसके बाद जो हमने लूम तैयार किया था नीचे के लिए, हम उसको भी इसमें लगा देंगे। उसमें जंप रिंग लगी है, तो हम जंप रिंग को जो नीचे वाली आई पिन है यू पिन के पास में, हम इसमें जंप रिंग को ऐड कर देंगे। एंड हमारा जो लूम है हम उसके नीचे लगा देंगे। देखिए इस तरह से। और यहाँ पर मैंने पांच पांच आई पिन का आपको यूज़ बताया है, पर यहाँ पर मैं सिर्फ एक ही आई पिन का यूज़ करूँगी। यहाँ पर तो मैंने आपको ऑप्शनल बताया है। देखिए यहाँ पर मैंने एक एक आई पिन को ही रखा है। और जो हमने चेन लगाई थी, और यहाँ पर जो चेन है हमारी आठ आठ मोती वाली, हम इन सबको एक ही जंप रिंग में कर देंगे। फिर उस जंप रिंग को हम इस आई पिन में ऐड कर देंगे। आप चाहें तो जैसे मैंने पांच आपको जो आई पिन का बताया था, तो आप उसमें अलग अलग भी सबको ऐड कर सकते हैं, और आप चाहें तो सबको एक साथ भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको पूरा एक साथ वाला ही इसमें सिखाया है, इसमें बताया है। और हम जंप रिंग के अंदर ये सारी जो पिन है हमारी, हमारी जो चेन है पार्लर चेन, इन सबको इसमें डाल देंगे, मतलब एक ही आई पिन में। और ये जो लूम है, हम लूम लूम को भी हमने इसमें नीचे लगा दिया है, जिस तरह से मैं इस आई पिन में लगा रही हूँ जंप रिंग के साथ। और इधर भी मैंने रेडी कर रखा था। तो इस तरह से जो हमारी जूड़ा एक्सेसरीज है वो पूरी रेडी हो गई है। बट यहाँ पर मैं आपको जूड़ा जो पिन है हमारी यू पिन, मैं उसको कैसे लगाऊंगी एक और तरीके से, वो मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। एंड यू पिन को हम इसमें एक और तरीके से लगा सकते हैं। यहाँ पर मैंने यू पिन ली है, और इसमें मैं ये जो हमने लिए हैं बैकग्राउंड शीट के टुकड़े, तो छोटे छोटे, और जो यू पिन है यू पिन को मैं इसमें इस तरह से इसको लगा दूंगी फैब्रिक ग्लू की मदद से। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए इस तरह से मैंने यू पिन को इसमें लगा दिया है, और इसके बीच में मैं ये जो बैकग्राउंड शीट के टुकड़े हैं इनको भी मैं इसमें लगा दूंगी, ताकि अच्छे से चिपक जाए। आप इसमें अदर ग्लू का यूज़ भी कर सकते हैं, जैसे हॉट ग्लू गन या फिर फेविक्विक, आप इन दोनों ग्लू का यूज़ भी इसमें कर सकते हैं। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैंने अपनी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। एंड यहाँ पर मैं बैकग्राउंड शीट का टुकड़ा है इसको मैं इसमें लगा दूंगी, ताकि बहुत ही मजबूत अच्छे से चिपक जाए। और आप प्लीज़ ज़रूर बताइए कि आपको मेरी जूड़ा एसेसरीज कैसे लगी है। एंड इसी से रिलेटेड मैं एक और जूड़ा एसेसरीज की वीडियो लाऊंगी, तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा इसकी अगली वीडियो देखने के लिए। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर माई न्यू वीडियोज़। एंड प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरी जूड़ा पिन कैसी लगी है। बाय।